हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है देखेंगे। देखिए, परिभाषा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब कुछ खास बात, कुछ अनोखे विषय जो हर एक संज्ञा और सर्वनाम में होते हैं, हर एक व्यक्ति में होते हैं, चीजों में होती है, वस्तुओं में होते हैं, प्राणियों में होते हैं, हर तरह के वस्तुओं में कुछ ना कुछ हम विशेषता देखते हैं। लेकिन यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो उदाहरण देखिए, भलाई, बुराई, आर्द्रता, कठिन, आसान, सज्जन आदि इसके उदाहरण होते हैं। सूचना, विशेषण में हम दो अंग होते हैं, दो अंग देखते हैं। क्या? एक विशेषण, दूसरा विशेष। इन दोनों में क्या अंतर होता है? विशेषण अगर उनके खासियत के बारे में बता रहे हैं तो विशेष किनके खासियत के बारे में बताया जा रहा है उसकी सूचना हमें देता है। मतलब कर्ता, कर्ता कौन है? वह बनता है विशेष, और उसकी विशेषता क्या है? वह बनता है विशेषण। तो यह हो गया विशेषण के दो अंग। उदाहरण देखिए, लता जी मधुर गाती है। तो यहाँ पर मधुर गाना विशेषण है, तो कौन मधुर गाते हैं? तो वह बनती है लता जी। तो यहाँ पर लता जी बनती है विशेष। एग्जाम्पल नंबर टू, मनोज तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना अगर विशेषण कहलाता है तो मनोज विशेष है। तो इस तरह विशेषण में हम दो अंगों को देखते हैं। नेक्स्ट, विशेषण में चार प्रकार है। एक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये है विशेषण के चार प्रकार। आगे देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। देखिए, आप हेडिंग में ही देख सकते हैं, गुण। गुण मतलब स्वभाव, अलग अलग तरह के स्वभावों को प्रकट करने वाले ही गुणवाचक होते हैं। परिभाषा देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध करे उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध करे उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, गरम, होशियार, चतुर, भयानक आदि। जैसे कि रमेश आलसी है, तो रमेश का गुण है आलसपन। और रोटी नरम है, तो रोटी की विशेष गुण है कि वह नरम है। कभी कभी रोटी कड़क भी होती है। तो रोटियों के गुणों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे। तो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का या गुणों की विशेषता को प्रकट करने वाले ही गुणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा भाग है संख्यावाचक विशेषण। किसे कहते हैं? देखिए, हेडिंग में है संख्या। संख्या मतलब नंबर्स। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करते हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक, 10, 4, 50 असंख्यात संख्याएं इसमें आते हैं। एक से लेकर असंख्यात संख्याएं इसमें आते हैं। जैसे कि कक्षा में 20 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर कक्षा में 20 लड़कियां होना संख्यावाचक विशेषण है। 5 किलो दाल दीजिए, तो यहाँ पर 5 किलो जो है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है सूचना, संख्यावाचक विशेषण में हम दो भेद देखते हैं या दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये दोनों क्या है? देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्या विशेष संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब डेफिनेटली हमें बताते हैं कि इतनी ही संख्या में है, विशेषता इतनी ही संख्या में है करके। एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक की विशेषण क्या है करके। देखिए,
10 कमरे हैं, पर्टिकुलरली हम बता रहे हैं कि डेफिनेटली 10 ही कमरे हैं। मनीष का पहला साल है, आज मेरा 25वां जन्मदिन है। तो ये है निश्चित रूप से हमें संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराने के कारण हम इन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये क्या है? अभी आपने निश्चित का जो देखा है उसका तद्विरुद्ध विलोम रूप में हमें अनिश्चित मिलता है। देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। पहले में हमको निश्चित रूप से बोध करा रहे थे, लेकिन दूसरे में अनिश्चित रूप से हमें अगर बोध कराते हैं तो वह बनते हैं अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, थोड़े से काजू दीजिए, कम से कम खाना, थोड़ी सी बारिश हुई। थोड़ी मतलब कितनी, कितनी थोड़ी, मात्रा हमें पता नहीं, तो इसलिए अनिश्चित है। थोड़े से काजू मतलब कितना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 50 ग्राम का कितना हम बोलते हैं, उसमें हमें कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि कितना है, इसलिए उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये हो गए संख्यावाचक के दो भेदों के विवरण। आगे हम आते हैं थर्ड वन, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? परिमाण मतलब पता है आपको, मेजरमेंट्स, नाप तोलने के बातें। जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा या चीजों की मात्रा, नाप तौल आदि का अगर बोध कराते हैं तो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और एक बार, जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, चीजों की मात्रा, नाप तौल आदि का बोध कराते हैं तो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण, 2 लीटर दही, किलो भर आटा। तो यहाँ पर हम वस्तुओं के मेजरमेंट्स देखते हैं, कौन कौन से वस्तुओं को किस तरह से परिमाण किया जाता है, जैसे कपड़े, दूध, पानी, वस्तुएं, किलोग्राम में, मीटर, लीटर आदि सभी इसी में आते हैं। तो यह हो गया परिमाणवाचक विशेषण। सूचना देखिए, जैसे आपने संख्यावाचक में भेद देखे थे, वैसे हम परिमाणवाचक विशेषण में भी दो प्रकार देखते हैं। सेम वैसे ही, एक निश्चित रूप का और दूसरा अनिश्चित रूप का। तो पहले हम देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं तो वह बनते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 3 दर्जन सेब। निश्चित रूप से सेब कितने हैं, 3 दर्जन है या 3 डजन है। दूसरा, 1/2 लीटर दही, 40 किलो चावल। तो हमें यहाँ पर निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि वह कितने परिमाण में है। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऊपर में आपने निश्चित रूप से देखा कि इतने ही है, वस्तुओं की मात्रा इतना ही है। नीचे में निश्चित रूप से वस्तुओं की मात्रा का कोई अंदाजा नहीं होता है, पता नहीं चलता कि कितना है, हमें सिर्फ इतना होता है कि वहां पर कुछ है करके। ओके, तो नेक्स्ट देखिए परिभाषा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं होता, सभी अनिश्चित रूप से होता है। उदाहरण, थोड़े से फल, कुछ बादाम आदि, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। थोड़ा, कम, तनिक, थोड़े से थोड़े, कम से कम, शायद, कोई, इतना हम इसमें इस्तेमाल कर सकते। तो ये हो गए परिमाणवाचक के दो भेदों के विवरण। आगे है विशेषण का लास्ट प्रकार, वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेत करना मतलब इशारा करना, सार्वनामिक मतलब सर्वनाम के साथ प्रयोग होना। आप देख सकते हैं हेडिंग में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। देखिए परिभाषा, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का अर्थ प्रकट करते हैं,
अर्थात सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पूर्व लगाकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, साथ में उनकी विशेषता भी प्रकट करते हैं, साथ में संकेत भी देते हैं कि वो किस तरफ इशारे कर रहे हैं, इसलिए उनको हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, पहला है उसका घर बड़ा है, तो यहाँ पर उसका जो है सर्वनाम, तो घर जो है आप देख रहे हैं घर बड़ा है उसकी विशेषता, तो उसका घर बड़ा है, मतलब यहाँ हो गया सार्वनामिक विशेषण। दूसरा देखिए, कोई सज्जन आए, आप कितने अच्छे हैं, तो यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और सर्वनाम विशेषण के साथ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया लास्ट हमारा विशेषण का प्रकार, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा। अब देखिए, अब तक जो हमने कक्षा की है उसके आधार पर आज के गृह कार्य के प्रश्न, प्रश्न एक है विशेषण और विशेषण के अंगों के लिए दो दो उदाहरण आपको लिखना है। प्रश्न दो, विशेषण के सभी तरह के भेदों के लिए आपको चार चार उदाहरण लिखना है। तो टोटल आप किसी के भी डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको अब तक के सभी प्रकारों के सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स लिखना है, वो भी ग्रामर क्लास वर्क में, है ना बच्चों? तो ठीक है, लिखिए, अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।